नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम करेंगे शिक्षण योग्यता का पाठ नंबर 12, जिसका नाम है सीखने की विशेषताएं, सीखने के प्रकार और सीखने की अवधारणा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करिए, जिसमें हम डेली वीडियो और PDF दे रहे हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, बिल्कुल फ्री में कोर्स करना चाहते, तो आप डेली वीडियो देखिए, साथ साथ उसके नोट्स बनाते जाइए, जिसकी अच्छे से तैयारी बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। हम आपको पूरा कोर्स करवा देंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सीखने की विशेषताएं है क्या? देखिए, जैसे लर्नर की करेक्टर देखिए होता है ना, सीखने की विशेषताएं भी होनी ज़रूरी है कि जो कुछ बच्चे सीख रहे हैं वो कैसे सीख रहे हैं। देखिए, सीखने का अलग अलग स्टाइल है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ थोड़ा सा लेट सीखते हैं, कुछ कैसे सीखते हैं, है ना। तो सीखने का नज़रिया या सीखने का तरीका सबसे सबका अलग अलग होता है। आपका तरीका अलग होगा, किसी को मेरी वीडियो समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी, है ना। वो सीखने का तरीका होगा ना अलग से। तो देखते हैं, देखिए, शिक्षकों के रूप में हम यह सोचते हैं कि शिक्षण शिक्षकों और हमारी भूमिका के बारे में है। वास्तव में शिक्षा प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है छात्र और जो वह सीखते हैं। सॉरी, देखिए, शिक्षक के रूप में यह सोचते हैं कि जो शिक्षण है वो शिक्षकों के लिए है, वो जो हमारी भूमिका निभाता है। पर इसमें जो है, जो छात्र हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण कौन है, पहलू कौन है, छात्र। फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि अगर छात्र ही ना हो, अगर स्टूडेंट ही ना हो, तो टीचर पढ़ाएगा किसको, है ना। तो यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षा की प्रक्रिया में, एजुकेशनल लेवल में सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन निभाता है, पहलू कौन सा है, छात्र है, है ना। जो शिक्षक पढ़ा रहा है तो शिक्षक क्या सीख, जो छात्र वो क्या सीख रहे हैं, यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि सीखने से हमारा क्या मतलब है। आप ये देखिए कि अब आप ये लेक्चर देख रहे हो, आप क्यों देख रहे हो, आपको क्या समझ आ रहा है। तो यही बात है ना कि जैसे कि शिक्षण के द्वारा या शिक्षा के द्वारा सीखने का क्या मतलब है, यह प्रेरित करता है कि हमने क्या सीखा है। तो जैसा कि आप शैक्षिक साहित्य पढ़ते हैं और विशेष रूप से शैक्षिक मानस शास्त्र, आप सिद्धांतों और परिभाषाओं में कई अंतर पाते हैं। आप ये देखिए कि आपने कई चीज़ें पढ़ी हैं, कई लिटरेचर पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, विशेष रूप से आप देखिए मानस शास्त्र हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं। आप ये देखिए कि जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनकी परिभाषाएं हैं, उसके काफ़ी अंतर पाया जाता है ना। हर एक चीज़ तो कॉमन तो होती नहीं है। अगर आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ तो वो अलग होगा, रिसर्च अलग होगा, है ना, अंतर पाया जाता है ना उसमें। कई छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होगी। देखिए, आप कोई बुक पढ़ते हो, मान के चलिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, UGC नेट का, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपके वीडियो को ढूंढेंगे, आप किसी टीचर को हायर करोगे कि आपको वो समझाए, है ना। तो सिंपल सी बात है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, उसके लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में देख लो, चाहे वो किसी आप स्कूल या कॉलेज के टीचर देख लो, है ना। आपको बात समझा देंगे, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, आपको वो जल्दी समझ में आएगा। यानी कि सारा सामान तो आपके पास है, बुक्स भी आपके पास है, बार आपको समझ नहीं आएगी। वो किसका समझाने का काम है, टीचर का, और समझने का काम किसका है, छात्रों का, कि टीचर ने जो समझाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है। यह समर्थन शिक्षण रणनीतियों, दृष्टिकोणों या सामग्रियों में परिवर्तन के रूप में हो सकता है, और इसके लिए संसाधन और या विशेष शिक्षा शिक्षकों के समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। देखिए, इसमें क्या है कि ये समर्थन जो है वो शिक्षण की जो रणनीतियाँ होती हैं, आप ये देखिए कि स्कूल या कॉलेज का जो लेवल होता है उसमें क्या करते हैं कि पहले जो टीचर 2-3 लेसन पढ़ाएगा, उसके 2 महीने में टेस्ट लेगा, है ना। स्कूल में होता है सितंबर टेस्ट, दिसंबर टेस्ट, फिर उसके बाद फाइनल टेस्ट। तो वो क्यों होता है कि ताकि जितना जितना बच्चों को पढ़ाया है उतना समझ में आया कि नहीं। आपको शिक्षक एक दिन में पूरी किताब नहीं पढ़ाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएगा। क्यों पढ़ाएगा? ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपसे वो टेस्ट भी लेगा कि ताकि आपने जो सीखा आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर आपको वो अच्छे से दोबारा से कराता है। तो इसमें समर्थन किसका हो गया? शिक्षकों का। तो सीखना किसको है?
छात्र को। छात्र किसके समर्थन सीखते हैं? शिक्षकों के समर्थन से सीखते हैं। तो देखिए लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स में यानी कि सीखने की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है। देखिए सबसे पहले बात है कि चार मेथड, तीन चार मेथड हैं जिसमें सीखने की आवश्यकता आती है। पहला मेथड है व्यक्तिगत विशेषताएं यानी कि पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। अक्सर जनसंख्या जानकारी से संबंधित होती है, जैसे कि उम्र, लिंग, परिपक्वता, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और सीखने के लिए एक विशेष समूह और विशिष्ट कौशल या हानि के लिए सीखने वाले समूह की विशिष्ट आवश्यकता है। देखिए व्यक्तिगत विशेषताएं क्या है, आप ये देखिए कि सीखने जो कुछ सीखने का लेवल है, जो सीखने का जो स्तर है, वो सबका अलग अलग होता है। तो इसमें डिपेंड करता है उसकी उम्र क्या है। आप ये देखिए कि छोटा बच्चा है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसको उसके सामने आप मोटी किताब रख दो, उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो उसके साम आप उसकी छोटी किताब पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, उम्र का फ़र्क हो गया ना। तो सिंपल सी बात है कि व्यक्तिगत विशेषताएं, उसकी उम्र क्या है, उसमें वो जो हम PhD कर रहे हैं या जिन्होंने कर ली है या जो टीचर लगे हैं उनमें नॉलेज ज़्यादा होगी, किसी स्टूडेंट में नॉलेज कम होगी। तो ये व्यक्तिगत विशेषताएं होगी, यानी कि सीखने के लिए व्यक्तिगत विशेषता बहुत अहम भूमिका निभाती हैं कि वो एट प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है ना, उसकी उम्र क्या है, उसका लिंग क्या है, उसकी परिपक्वता क्या है, मेच्योरिटी लेवल कितना है। छोटे बच्चों को समझ नहीं आएगा, बड़े बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, वो उसको जल्दी से सीख लेगा। भाषा कौन सी में वो कंपैटिबल है, किसको अच्छे से समझ में आ रहा है, हिंदी में, इंग्लिश में, किस में। जैसे अभी मैं आपको हिंदी में लेक्चर समझा रहा हूँ तो आपको हिंदी में समझ आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, कईयों को इंग्लिश में समझ आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत विशेषताएं होगी ना, ये हर एक में होती हैं, यानी कि सीखने का लेवल हर एक में होता ही है जो व्यक्तिगत विशेषता से संबंधित है, और यह बहुत अहम भूमिका निभाता है। अकादमिक विशेषताएं यानी कि एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स, देखिए अधिक शिक्षा और या शिक्षण से संबंधित है, जैसे सीखने के लक्ष्य, पूर्व ज्ञान, शैक्षिक प्रकार और शैक्षिक स्तर। देखिए एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स होगी, अकादमिक विशेषताएं होगी, इसमें क्या होगा कि जो शिक्षण है वो किससे संबंधित होगा, जो सीखने के लक्ष्य से संबंधित होगा, कि आपने कहाँ पे एडमिशन ली है। एकेडमिक करेक्टरिस्टिक होगा ना कि आपने PhD में एडमिशन ली है, कॉलेज में एडमिशन ली है, स्कूल में एडमिशन ली है, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, यानी कि आप किस चीज़ को सीखना चाहते हो, आपने किस में एडमिशन ली है, आपको वही सिखाया जाता है और आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। मान लीजिए 10वीं के बाद, 10th के बाद आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको उसके लिए मेडिकल रखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप उसके लिए एडमिशन लोगे स्कूल कॉलेज में, तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए ना उसके लिए, कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, आपको उसके बारे में पता है कि नहीं, है ना, वो चीज़ आपका कितना लेवल, आप मेडिकल कर पाओगे कि नहीं, है ना। कई क्या होता है कि शौक शौक में मेडिकल रख लिया, कर आर्ट्स वो कर नहीं सकते पर मेडिकल रख लेते हैं, तो उनका शैक्षिक स्तर क्या है, वे ज़ीरो है। अगर आपका शैक्षिक जो स्तर है, जो आपका एजुकेशन लेवल है, वो सही होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप अकादमी विशेषताओं को पूरा कर पाओगे। अकादमी विशेषताएं में आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, एकेडमी के अकॉर्डिंग। सामाजिक भावनात्मक विशेषताएं, देखिए समूह से संबंधित है या समूह से के संबंध में व्यक्ति के साथ, देखिए इसमें क्या होगा कि सामाजिक या भावनात्मक विशेषताएं होती हैं। सामाजिक विशेषताएं कैसे, कि आपका सोशल कल्चर कैसा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वहाँ की सोच कैसी है, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे सभी अफसर भरे पड़े हैं तो आप उनके जैसा बनना चाहोगे, आपके परिवार में इतने अच्छे अच्छे अफसर हैं, टीचर हैं, आप उनके जैसा बनना चाहोगे, तो उसमें वो विशेषताएँ होती हैं। सामाजिक भावनात्मक विशेषताएँ के उदाहरण है समूह संरचना, एक समूह के भीतर व्यक्ति व्यक्ति की जगह, सामाजिकता, आत्म छवि। देखिए सभी जो है वो समाज में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप भी यही चाहोगे कि आप एक ऐसा अच्छा काम करो कि ताकि आप आपको लोग हमेशा याद रखें, है ना। तो कोई भी छात्र है या कोई भी व्यक्ति है, वो ऐसा बनना चाहेगा कि समाज में वो एक अच्छा रोल निभा सके, तो लोग उसको उसके लिए अच्छी बातें कहें। तो ये कैसे होगा कि आपका ग्रुप कैसा है, आपका समूह कैसा है, होता है ना, एक समूह के भीतर व्यक्तिगत व्यक्ति की जगह, यानी कि आपका समूह कैसा है, आपके आसपास का कल्चर कैसा है, आपका ग्रुप जो कैसा है, कौन सी सोसाइटी में रहते हो, आप कौन से समाज में रहते हो, वहाँ पे आपकी क्या जगह है। अगर आप के आले आसपास सब टीचर ही है तो आप उनके जैसा प्रेरित होंगे ना कि मैं टीचर बनूंगा। तो सिंपल सी बात है कि जैसा आपका समूह होगा, समाज होगा, वैसा ही आप वैसा बनोगे। तो इसमें भावनात्मक विशेषताएं भी हैं,
कि आप में वैसा ही इमोशंस आएगा कि हाँ मुझे ऐसा ही करना है। तो सबसे अहम भूमिका है सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएं की, क्योंकि समाज में रहकर आपकी क्या भावनाएं हैं, आप क्या सोचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने की विशेषताएं में। ज्ञानात्मक विशेषताएं, देखिए ध्यान की अवधि, लय, मानसिक प्रक्रियाओं और बौद्धिक कौशल जैसे कि चीज़ों से संबंधित हैं, जो निर्धारित करती है कि सीखने वाला कैसे सोचता है, याद रखता है, समस्याओं को हल करता है और उसके मस्तिष्क में जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए ये ज्ञानात्मक विशेषताएं कि इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी छात्र है या कोई भी व्यक्ति है, वो कैसे सीखता है, किस चीज़ को उसने कैसे सीखा, कैसे उसने याद रखा, तो कैसे वो समझता है, होता है ना कि सीखने वाला कैसे सोचता है, याद रखता है, समस्या को कैसे हल करता है, वो किसमें हो गया ज्ञानात्मक विशेषता है। क्योंकि देखिए कि कई चीज़ों को कई स्टूडेंट वो जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे। आप ये देखें कि ये जो मैथ्स के सवाल है, किसी को फटाफट समझ में आ जाता है, वो फटाफट सॉल्व करने लगते हैं, किसी को समझ नहीं आता, उनको टाइम लगता है। तो क्या हो गया, ये ज्ञानात्मक विशेषताएँ होगी ना। दिमाग तो सबको एक बराबर दिया भगवान ने, पर समझने का नज़रिया सबका अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। तो ज्ञानात्मक विशेषताएँ भी बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, हमने ये देखा ऊपर से कि व्यक्तिगत विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट, अकादमिक विशेषताएं, सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएं और विज्ञानात्मक विशेषताएं, ये चारों विशेषताएं जो है ये सीखने की विशेषताएं में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। कि अधिगम की अवधारणा कहाँ किसे जाता है, यानी कि जो शिक्षण की जो अवधारणा है जिसमें छात्रों को सीखने के व्यवहार आते हैं, उसमें अध्ययन आते हैं कि छात्र कैसे सीख रहे हैं, यानी कि देखिए शिक्षण किसके द्वारा दी जाते हैं, शिक्षक के द्वारा, यानी कि जो शिक्षक अपने शिक्षण के द्वारा छात्रों को क्या सिखा रहा है और छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, छात्रों को क्या प्रेरणा मिल रही है, छात्रों का अध्ययन के लिए क्या दृष्टिकोण है, ये वो कैसे समझ पाते हैं, ये किस में आएगा, ये अधिगम की अवधारणा में आएगा। सीखने की अवधारणा के जो प्रकार हैं वो देखिए, सीखने की मात्रात्मक अवधारणा, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इसमें जो सीखने की जो मात्रात्मक अवधारणा है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो याद किए गए तथ्यों को याद रखने से सीखने में आसानी होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि तथ्यों को याद किया जाता है। मात्रात्मक में क्या होता है, क्वांटिटी, यानी कि हमने कितनी चीज़ों को पढ़ा है उसको याद रखना है, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। इसमें तथ्यों को सिर्फ याद रखना होता है। सीखी जाने वाली सामग्री पृथक और असंबंधित है, यानी कि जो सीखे जाने वाली जो सामग्री है वो अलग अलग भी हो सकती है। अधिगम की प्रक्रिया को प्राधिकार से स्वयं तक ज्ञान के प्रसारण के रूप में देखा जा सकता है। यदि कोई छात्र जो सीखने की मात्रात्मक अवधारणा का समर्थन करता है, तो उन्हें शिक्षण द्वारा सिखाई गई सामग्री को याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि सीखने की जो मात्रात्मक अवधारणा है वो कौन सी थी, जिसमें हमें तथ्यों को फैक्ट को याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई छात्र मात्रात्मक अवधारणा को अपनाता है या इसका समर्थन करता है, तो उसे सामग्री को याद रखना होगा। ठीक है, तो ये ज्ञान के प्रसारण के रूप में देखा जाता है कि बच्चों को कितनी चीज़ आती है, यानी कि हमें जो चीज़ों को याद रखना पड़ता है वो किसमें रखना पड़ता है, सीखने की मात्रात्मक अवधारणा में। नेक्स्ट आ गई सीखने की गुणात्मक अवधारणा, इसका अर्थ है कि नई जानकारियों का सामना करना, स्वयं की समझ दुनिया की व्याख्या करना। देखिए इसमें क्या है कि नई नई जानकारियों का सामना करना, अभी हमें जैसे देखिए कि कुछ नॉलेज तो है, पर हमें नई नई जानकारियाँ, नए नए क्वेश्चन जो है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा ज्ञान बढ़ता है, आसपास दुनिया में क्या हो रहा है तो उसका भी देखना पड़ता है। तो कहने का बात यह है कि जैसे पहले हम मात्रात्मक में पढ़ते हैं कि हमने कितना कुछ सीख लिया है, उसको हम गणना कर सकते हैं, उसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आता है मात्रात्मक में। गुणात्मक में आएगा कि जैसे हम नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, तो वो आता है मात्रात्मक में। इसलिए सीखना एक विकास प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल सही है, ये विकास प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, इसे विकास होता रहता है। जैसे पहले हमें कम चीज़ आती है, अगर हम डेली जीके क्वेश्चन करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो हमें ज़्यादा चीज़ें आने लगेंगी। सीखी जाने वाली सामग्री जटिल और अंतर संबंधित है और एक स्वयं से संबंधित होने की अक्षमता हो सकती है। देखिए जो सीखे जाने वाली जो सामग्री है वो जटिल भी हो सकती है, वो अंतर संबंधित भी हो सकती है ना, एक दूसरे से संबंधित भी हो सकती है, यानी कि जो हम चीज़ सीख रहे हैं
वो क्या है, वो जटिल भी हो सकती है, आसान भी हो सकती है, आपस में जुड़ी हुई भी हो सकती है। सीखना शिक्षकों की सुविधा के साथ छात्रों द्वारा निर्माण अर्थ की प्रक्रिया है। देखिए इसमें क्या है कि जो सीखना है, यानी कि जो सीख कौन रहा है, छात्र सिखा कौन रहा है, शिक्षक, इनकी शिक्षकों की सुविधा के साथ जो है वो छात्रों के लिए अर्थ प्रक्रिया है। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको मैं बताता हूँ कि जो इसमें क्या होगा, जैसे शिक्षक है जो छात्रों को चीज़ सिखाएगा, छात्र उसको सीखेंगे, तो यह छात्रों को उनको और अच्छे से समझ आएगा या उनका निर्माण होगा। इससे किसका निर्माण होगा, नॉलेज का निर्माण होगा। जैसे अगर शिक्षक कोई छात्र को चीज़ सिखाएगा, छात्र उसको समझेगा, है ना, तो उसमें नई नॉलेज आएगी ना। तो यदि कोई छात्र सीखने की गुणात्मक अवधारणा का समर्थन करता है तो यह संभावना है कि वह सक्रिय रूप से उन सिखाई की सामग्रियों की समझ बनाएगा और उनके मौजूदा ज्ञान से संबंधित होगा। यानी कि जो गुणात्मक अवधारणा है उसमें क्या होगा कि हमें सिखाई गई सामग्रियों की समझ रखनी पड़ती है। मात्रात्मक में क्या था, हमें तथ्यों को याद रखना पड़ता था। गुणात्मक में क्या है कि हमें सामग्री को समझना पड़ेगा। तो वैसे यही डिफरेंस है इसमें। सीखने के प्रकार क्या है या अधिगम के प्रकार क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, बुक में अधिगम लिखा होता है, उसका मतलब भी सीखना ही है। तो सीखना आप सिंपल सा वर्ड है ये, आप इसको याद रख सकते हो। तो देखिए, सभी मनुष्य कई प्रकार से सीखने का प्रयोग करते हैं, यह संदर्भ विषय के अनुसार सीखा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सीखने के बहुत सारे प्रकार हैं। आपके सीखने का तरीका अलग है ना, कहीं और के तरीके, आपके फ्रेंड्स के सीखने का तरीका अलग होगा, सबके सीखने का तरीका अलग अलग है। तो देखिए, सीखने के प्रकार कौन से हैं, आइए जानते हैं कि हम किस प्रकार सीख सकते हैं। देखिए, संकेत द्वारा सीखना, एक संकेत के लिए सटीक प्रतिक्रिया करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी, इसे SR लर्निंग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो संकेत द्वारा सीखना, यानी कि जो चीज़ें हम संकेत द्वारा सीखते हैं, तो देखिए सिंबल से हो गया, संकेत से हो गया ना, हम चीज़ें सीखते हैं। तो आप ये देखिए कि संकेत द्वारा क्या सीखते हैं आप, अगर आप जैसे रोड क्रॉस करते होंगे तो वहाँ पे ऊपर आप बोर्ड देखते होंगे, है ना, कई जगह लिखी होगी, जैसे बस बनी होगी बस स्टैंड के वहाँ पे, बस वो जो बाईपास बना होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बस आएगी। उसके बाद जैसे कई तरह के बोर्ड बने होते हैं, है ना, तो उससे क्या पता चलता है कि हमें संकेत द्वारा हम सीखते हैं ये निशान किस चीज़ का है। इनकी जो जो सिंबल्स हैं, जो निशान बने होते हैं, उससे हम सीखते हैं, तो उसे संकेत द्वारा सीखना कहते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर एक को शिक्षार्थी को सीखना पड़ता है व्यक्तिगत तौर पर। उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना, सीखने वाला भेदभावपूर्ण उत्तेजना के लिए सटीक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। जो सीखा जाता है वह एक संबंध है या एक विभेदिक संचालक, जिसे कभी कभी वाद्य प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सीखना सीखा जाता है, जो सीखने वाला होता है, वो भेदपूर्ण भावपूर्ण सीखता है। यानी कि जो चीज़ उसने सीखनी है वो किसी संबंध में सीखता है, वो भेदभावपूर्ण सीखेगा। चेनिंग, देखिए चेनिंग जैसे एक जंजीर बनी होती है, वैसे चेनिंग इसमें होता है कि क्या अधिग्रहित किया जाता है और क्या श्रृंखला है, यदि दो या दो से अधिक है। इस तरह के सीखने को भौतिक या मौखिक प्रक्रिया द्वारा भी वर्णित किया जाता है। जैसे इसमें चेनिंग में होता है कि हमने क्या सीखा है, किस हिसाब से सीखा है, मौखिक सीखा है, भौतिक सीखा है, कैसे सीखा है, उसकी चेन बनती है। यानी कि हमें सीखना ही है, चाहे हम किस टाइप से भी सीखें, बस हमें सीखने से मतलब है, तो इसमें चेनिंग बनती जाती है। मौखिक एसोसिएशन या वर्बल एसोसिएशन, फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, देखिए वर्बल एसोसिएशन चेन की सीख है जो मौखिक है। मूल रूप से स्थितियाँ श्रृंखला के समान होती हैं, हालांकि मानव में भाषा की मौजूदगी इस विशेष प्रकार की श्रृंखला को बनाती है, क्योंकि आंतरिक लिंक को भाषा के पहले से सीखे गए प्रदर्शनों की सूची में चुना जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है कि वर्बल एसोसिएशन यानी कि मौखिक प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए मौखिक मौखिक यानी कि आप देखिए कि जो मानव है, जो मनुष्य है, उसको एक सबसे अहम चीज़ है उसमें कि उसमें वो भाषा का प्रयोग करता है। तो वर्बल एसोसिएशन किससे संबंधित है, जो हम भाषा द्वारा सीखते हैं। जैसे देखिए कि अगर टीचर क्लास में कोई लेक्चर दे रहा है, जैसे मैं भी आपको दे रहा हूँ, ये क्या है, ये वर्बल हो गया ना, मौखिक द्वारा हो गया, वर्बल द्वारा हो गया, ये एक ही बात है। इनकी जो चीज़ हम सुन जैसे हम सुनकर सीखते हैं या बोलकर किसी को कहते हैं,
तो जिसमें भाषा का प्रयोग होता है, जैसे टीचर क्लास में आता है वो बोलते हैं ना, तो वो भाषा ही होगी ना, वो उससे हम सीखते हैं, तो उसे कहते हैं मौखिक एसोसिएशन या वर्बल। देखिए एकाधिक भेदभाव, अलग अलग उत्तेजनाओं के लिए अलग अलग शिक्षार्थी जो शारीरिक रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो कि ज़्यादा ज़ख्म डिग्री तक हो सकते हैं, इसमें ऐसे तथ्य शामिल हैं जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, कि आप देखिए कि सभी जो शारीरिक रूप से जो शिक्षार्थी जो छात्र हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, पर उनमें जो उनकी जो डिग्री है वो कम ज़्यादा हो सकती है ना। आप देखिए कि सभी तो एक समान लगते हैं, पर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो, कोई जो कम पढ़ा लिखा होता है, तो उसमें क्या होता है कि सभी की समझ जो है अलग अलग होती है ना। शिक्षार्थी तो सभी हैं, कुछ कम सीखते हैं कुछ ज़्यादा सीखते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो लेवल ऑफ लर्निंग है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। सिद्धांत सीखना, इसमें अवधारणाओं की सूची शामिल है, या अनिवार्य रूप से इस सीखने की पूर्व स्थिति के रूप में अवधारण सीखने से है। देखिए फ्रेंड, सिद्धांत सीखना क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आप सिद्धांत समझ के किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ गए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, इनकी सिद्धांत को इसमें सीखना होता है, यानी कि जो चीज़ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसको सीखना पड़ता है, तो उसे कहते हैं सिद्धांत सीखना। यानी कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ है क्या, है ना, तो वो क्या होगा, सिद्धांत सीखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है, तो मिलूँगा मैं अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।